हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं दिवाली 2021 रीडिंग की। दिवाली जो है आपके लिए क्या चेंजेस, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में लेके आ रही है? दिवाली के आसपास आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आएंगे, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है? ओके, सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ये है कार्ड नंबर वन, विच इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स, और ये है कार्ड नंबर टू, जो कि है लवर्स। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड आप चूज करिए, देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद कार्ड नंबर वन, फोर ऑफ वॉन्ड्स। हेलो गाइस, इन्होंने भी कार्ड नंबर वन चूज करा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का। चलिए देखते हैं कि ये दिवाली आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगी। ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी फोर ऑफ वॉन्ड चूज करा है, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में इस दिवाली से? द फूल, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो ये दिवाली ना आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ रही है, ठीक है? ऑप्शंस किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। करियर में ऑप्शन हो गए, अगर आप सिंगल हो तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे पार्टनर्स के, ठीक है? आपको उसमें से चूज़ करना है। बट ये जो अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा आफ्टर दिवाली, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बनाना सिखाएगा, जिम्मेदार, प्रैक्टिकल, मेच्योर पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल थे ना इन द पास्ट, या बहुत ज़्यादा दिल की सुनते थे, या बहुत मतलब दिल पर डिपेंड रहते थे और अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते थे इतना ज़्यादा, ठीक है? और उस वजह से लोग आपका फ़ायदा भी उठाते थे बहुत। ओके, सो अब आपका वो जो नेचर है ना, वो आप छोड़ रहे हो और आप काफ़ी प्रैक्टिकल, जस्ट लाइक एम्परर, ठीक है? एम्परर है ना, काफ़ी मतलब दिमाग सोचने वाला पर्सन होता है। तो अब आप काफ़ी मेच्योर होके अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे, आप में काफ़ी मेच्योरिटी आ रही है, और जो भी आपके पास्ट के पुराने पैटर्न्स हैं, जो भी आपके पास्ट के पुराने जो तरीके हैं लाइफ जीने के, वो आप छोड़ के अपनी लाइफ की नई शुरुआत करोगे। द फूल कार्ड आया है, तो भूल रहे हो जो भी आपके पास्ट में गलत हुआ है आपके साथ, वो सब भूल के एक नई शुरुआत कर रहे हो आप। ओके, आप काफ़ी डिटरमाइंड हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। चैलेंजेस अभी भी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अब आप डरते नहीं हो, अब आप उनको फेस करते हो, ठीक है? तो काफ़ी आप में कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके सामने ऑप्शंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके काफ़ी झगड़े भी होते रहते हैं लोगों के साथ, आपकी बहस होती रहती है, या लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, या आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, पर आप सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो लोगों के साथ। तो फाइनली अब आप उस चीज़ को छोड़ के कि लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप उस हर चीज़ से फ्री होके अब आपकी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स हैं ना, आप उस पर फोकस करने वाले हो। तो काफ़ी आप जिम्मेदार बन रहे हो, प्रैक्टिकल बन रहे हो, मेच्योर बन रहे हो, और अब आप ना वैसे नहीं रहोगे जैसे कि लोग आपका एडवांटेज उठा लें, इस तरह की पर्सनालिटी नहीं रहेगी अब आपकी। सो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत पहले ही आ जाने चाहिए थे, पर आप फाइनली उन्हें अब लेके आ रहे हो। ओके, और देख लेते हैं। अवेयरनेस, ही काफ़ी अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, जो चीज़ों से आप अनजान थे, ठीक है? जो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे थे, और आप यूनिवर्स से काफ़ी कनेक्ट हो रहे हो, काफ़ी मैनिफेस्टेशन भी आई थिंक आप कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो पूरी होती हुई दिख रही है। देन वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, तो काफ़ी सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा आपके आसपास, अब कुछ चीज़ सेलिब्रेट करने का मौका आपको मिल सकता है, ठीक है? मे बी वो सेलिब्रेशन आपके लिए ही हो, ऐसा भी हो सकता है।
डिसकंटेंट एंड बोर्डम। सो आपकी लाइफ में काफ़ी डिसकंटेंट बोर्डम आप फील करते हो, बोर फील करते हो, तो आपको थोड़ा सा ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, ठीक है, कुछ नया ट्राई करने की अपनी लाइफ में, ठीक है, वो सेम पैटर्न सेम रूटीन नहीं फॉलो करने की, कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में लाने की। वाह, वी हैव द सन कार्ड, तो आपकी लाइफ में नया सन आ रहा है, जो भी ये जो भी आपका बोरिंग लाइफ स्टाइल पैटर्न जो चल रहा है ना, उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा और आप फाइनली कुछ ना कुछ नया करोगे अपने लिए, कुछ ना कुछ आप अपना आप सेम रूटीन फॉलो नहीं करने वाले हो, अब आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। और देखते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करोगे आप। सबसे पॉजिटिव तो यही है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो अपनी लाइफ से, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो आपकी लाइफ का क्लाइमैक्स का टाइम आ रहा है, सो मेक श्योर कि ना आप उस क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा करोगी वो आपके लाइफ के आगे आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट करे। ओके, चलिए गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल एक्सपेक्टेशन, आप काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हो दूसरों से, तभी आप हमेशा अपसेट रहते हो, या आप जब दूसरे आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हैं तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हो। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो दूसरों से, ठीक है, और ना ये एक्सपेक्ट करो कि दूसरे जब आपको खुश करेंगे तभी आप खुश होगे, आप अपने आप में बहुत खुश हो, सो किसी का अप्रूवल मत लो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो और खुश खुश रहो आप। देन वी हैव अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। मेडिटेशन आपके लिए एडवाइस है कि आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइजिंग वगैरह थोड़ी आपको करनी चाहिए। ओके, चलिए यहाँ से हम लास्ट कार्ड हम निकालते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है विच इज टेम्प्ररी सिचुएशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो आपकी लाइफ में जो भी फेज़ है नेगेटिव वो टेम्प्रेरी है, ख़त्म होने वाला है, और आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चल रहा है, आपका एनलाइटनमेंट चल रहा है, सो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स तो आपके साथ हैं ही। देन वी हैव ग्रेट गुड फॉर्चून, तो आपका गुड लक्की पीरियड आपकी लाइफ का शुरू होगा आफ्टर दिवाली। ओके, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आप काफ़ी एक अलग पर्सनैलिटी बन रही है अब आपकी, सो काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपके खुद के अंदर, एंड दैट्स वाई उस वजह से ना आपके जो भी लाइफ की ओवरऑल प्रॉब्लम्स है ना वो सब खत्म हो जाएंगी। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी लवर्स कार्ड चूज करा है, चलिए देखते हैं कि दिवाली से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ग्रुप नंबर टू, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ ऑन एंड फ्रॉम दिस दिवाली। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कि आप ना काफी वक्त से परेशान चल रहे हो, मेंटली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी, आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। एट ऑफ सोर्ड्स आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है,
ठीक है, मतलब जो पिछला जो कुछ वक्त निकला होगा उसने आपको हर तरह से परेशान करके रख दिया होगा, और आप अपने आप को ट्रैप फील करते हो, आप ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ एक जगह आगे रुक गई है और आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, पैसों के लिहाज से भी और रिलेशनशिप के लिहाज से भी या हेल्थ के लिहाज से भी, ठीक है। तो काफ़ी एक नेगेटिव पीरियड आपका अभी भी चल रहा है, ठीक है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है अपने आंखों के सामने, कुछ भी अच्छा देख नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। बट आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ से एफर्ट करके अपने आप को बाहर निकालो, बिकॉज आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है। आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, आपकी मीटिंग हो सकती है आपके सोलमेट से अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, या आप कमिटेड हो तो फाइनली आपके बीच में सब कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, टू ऑफ कप्स, आप लोग मिलोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स लाइक विक्ट्री कार्ड, आपकी जीत होगी, जो भी आपने स्ट्रगल वगैरह देखे हैं अपनी लाइफ में वो सब खत्म होंगे और विनर एंड में आप ही बनने वाले हो और सब लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। ओके, और आप मुझे काफ़ी अच्छे ड्रेसअप होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी तैयार होते हुए या किसी पार्टी में जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स इज़ लाइक न्यू बिगनिंग, हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। आप हर तरह से अपने आप को फिट और हेल्दी महसूस करोगे एंड आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। एस ऑफ कप्स कोई प्रपोज कर सकता है आपको एंड आपके सामने ना बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आपके सामने, चाहे करियर में है, चाहे लव लाइफ में है, चाहे किसी भी चीज़ में है, बट आप काफ़ी ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, आप सिंगल हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शायद मिल सकते हैं और आपको फाइनली आप एक पर्सन चूज करोगे अपने लिए, ठीक है। बट जो भी है, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, कप्स के कार्ड आए हैं, इतने अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए, सो डेफिनेटली बहुत हीलिंग है, बहुत प्यार वाला वक्त है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स लाइक विक्ट्री वाला टाइम होगा आपके लिए, सो आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा ना एफर्ट लगा के अपने आप को इस नेगेटिव जोन से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए। चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए। ओके, वी हैव ट्रूथ एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जजमेंट हो रहा है गाइज आपकी लाइफ में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपने स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करिए, ये तो आपने स्ट्रेंथ बना रखी है ना, इसको बना के रखो। अथॉरिटी सेक्रीफाइस, काफ़ी स्ट्रांग हो आप, ठीक है, मतलब आप ये भूल गए हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने अपने आपको बहुत वीक समझ रहे हो, बट आप बहुत स्ट्रांग हो और आपकी यही स्ट्रेंथ जो है ना ये बाहर निकल के आएगी, यही स्ट्रेंथ ना डिवाइन आपकी बाहर निकाल के ला रहे हैं। आपने बहुत सेक्रीफाइस करा है, आपने बहुत पेशेंस रखा है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, आपने बहुत डिफीट कॉन्फ्लिक्ट ये सब झेला है, पर आपने कभी भी अपने स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा करना नहीं छोड़ा और उस वजह से आपकी लाइफ में जजमेंट होगा, ठीक है। आपको अपनी रियल पावर बताई जाएगी कि आप कितने स्ट्रांग हो और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है आगे आने वाले टाइम में, और आप बहुत ही ब्यूटिफुल वे में आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में बुरा टाइम आया था ना, वो ये रियलाइज करवाने के लिए आया था कि आप कितने स्ट्रांग हो। और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो इमोशंस काफ़ी आपके अप डाउन हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल भी फील करते हो, गुस्सा भी आता है आपको, बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए अपने एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आप शायद गिव अप कर चुके हो कि आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बिलीव करिए इम्पॉसिबल पे। आगे आने वाला टाइम, ठीक है, आफ्टर दिवाली आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते, नए अपॉर्चुनिटीज, नए सरप्राइज आपके लिए लेके आ रहा है, सो बिलीव करिए। चलिए यहाँ से हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, ये कार्ड शायद ग्रुप नंबर वन में भी आया था। तो किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। एक्सपेक्टेशंस कम रखो लोगों से और खुद से ज्यादा रखो, ठीक है, खुद पे डिपेंड रहो। और
जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो आप खुद से रखिए, और आप खुद अपने आप को जज करिए कि आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर पा रहे हो या नहीं. ओके, सो फोकस ऑन योर सेल्फ. किसी और से, अपने पार्टनर पे सारे एक्सपेक्टेशंस मत डालिए. देन वी हैव क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट. आपके अंदर कुछ गिल्ट है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पाए, या कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ गिल्ट है किसी चीज़ का आपके अंदर. तो वो गिल्ट आप छोड़ दो, उसको जला दो, ख़त्म कर दो, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कभी भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हो. ओके, सो इस दिवाली अपने अंदर का सारा गिल्ट जो है ना वो ख़त्म कर देना और एक नई शुरुआत करना अपनी लाइफ. देन वी हैव विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी. सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आप फिर से नई कहानी लिख सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो. और वही कार्ड आ गया कि आप कभी भी अपनी लाइफ की स्टोरी को फिर से शुरू कर सकते हो. कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी. सो पुराने पैटर्न गिल्ट को ख़त्म करो. ओके, एंड अपनी स्टोरी की फिर से नई शुरुआत करो कि आप कैसे अपनी कहानी फिर से लिखना चाहते हो. चलिए और देखते हैं ये लास्ट फॉर ग्रुप नंबर टू. के वी हैव रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी. रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन पार्टी सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में. स्लोली बट श्योरली गेटिंग आए. चीज़ें थोड़ी स्लो हैं पर आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो. देन सक्सेस, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस. और स्लोली बढ़ रहे हो लेकिन अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. ये रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. देन वी हैव टेम्प्ररी सिचुएशन. सो डोंट वरी, बुरी चीज़ें अगर हैं तो वो टेम्प्ररी हैं, परमानेंट नहीं है. देन अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. तो एक मनी पाथ है जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उस पाथ पे आओ और बहुत सारा पैसा आपको वहाँ मिलेगा. ओके, कोई अच्छी जॉब हो सकती है, कोई अच्छा बिजनेस हो सकता है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड इट. बाकी सब कुछ सही है आपकी लाइफ में गाइस. सो टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.